हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे प्रोग्राम टू इनपुट एनी 10 कैरेक्टर्स एंड काउंट कि उसमें से कितने कैरेक्टर्स वोवल्स हैं। तो पिछले प्रोग्राम्स के जैसा ही ये प्रोग्राम है, बस फर्क इतना हो गया है कि इसमें जो आप इनपुट कराओगे वो आपके पास एक इंटीजर नहीं होगा, वो वोवल होगा। बट यहाँ पर हमें इंटीजर में वेरिएबल्स कौन से लेने पड़ेंगे, एक आई जो कि लूप चलाएगा, 10 बार आपका लूप चलना चाहिए। सो 10 कैरेक्टर्स आप इनपुट कर रहे हो, यू नीड योर लूप टू वर्क फॉर 10 टाइम्स। तो मैंने एक काउंटर ले लिया जो कि मेरे लूप को चला रहा है, और एक काउंटर मैंने लिया फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ वोवल्स, राइट। सो मुझे इंक्रीज तो यहाँ भी करना पड़ेगा ना। हम इनिशियली मान लेंगे कि हमारे पास 0 वोवल है, जैसे जैसे वोवल मिलते जाएंगे आप उसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीज करते जाओगे, पर आपको जो डेटा है वो कैरेक्टर वेरिएबल में इनपुट कराना है, ठीक है। सो आपने यहाँ पर लूप लगाया जो कि 10 बार चलना चाहिए। सो आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, जैसे हमने पिछली बार किया था नंबर्स के लिए वैसे ही हम यहाँ पे ले सकते हैं। हम उसको बोल सकते हैं एंटर कैरेक्टर परसेंटेज डी, दैट इज आई, तो वो वैसे शो करेगा एंटर कैरेक्टर 1, एंटर कैरेक्टर 2। अब आप मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो हम जनरली कैरेक्टर इनपुट से पहले लिखते हैं ताकि इनपुट के टाइम पर प्रॉब्लम ना आए। सो यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट्स, जब तक मैं कंडीशन लिख रही हूँ आप कमेंट्स में लिखेंगे ऐसा कौन सा फंक्शन, क्योंकि कई बार क्या होता है वो कैरेक्टर इनपुट लेता ही नहीं है, इट स्किप्स द कैरेक्टर इनपुट। सो यू वॉन्ट कि वो स्किप ना करे, इट शुड रीड द कैरेक्टर प्रॉपरली। सो विच फंक्शन वी नीड टू राइट बिफोर स्कैनर ताकि वो आपके कैरेक्टर इनपुट को सही से एक्सेप्ट करें, ठीक है। और कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी कि इट्स अ वोवल, वोवल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है, एंड देन वोवल प्लस प्लस, ठीक है। सो यहाँ पर वो फंक्शन जो है वो होता है एफ फ्लश एस टी डी आई एन। सो एफ फ्लश एस टी डी आई एन क्या करता है कि आपका जो इनपुट बफर है उसको क्लियर कराता है। सो इट क्लियर्स दी इनपुट बफर ताकि जो फ्रेश डेटा आ रहा है वो प्रॉपरली इनपुट हो सके, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो आपके पास 10 कैरेक्टर्स एक के बाद इनपुट होंगे और फिर वो उनको चेक करेगा कि अगर वो ए ई आई ओ यू में से कुछ भी है, ठीक है, तो क्या हो वोवल प्लस प्लस हो जाए, ताकि हम बाद में प्रिंट कर सकें कि हमारे पास कितने वोवल्स हैं, ठीक है। अब आप एक चीज देखना, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगी और लेट्स से मैं अपना नाम ही इनपुट करती हूँ, ठीक है, आई इनपुट द लेटर्स ऑफ माई नेम, सो आई एंटर हेयर। अच्छा, इसने एक भी कैरेक्टर नहीं लिया। आई इज इक्वल टू स्कैन एफ परसेंटेज सी, अच्छा आई डिड नॉट पुट दी एम्परसेंड डेटा थे। सो आपको एड्रेस ऑफ वेरिएबल पास करना होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डब्ल्यू पास किया, फिर मैंने ए पास किया, एन जे ए एल आई, अब एम एम एम, सो इट्स सेइंग नंबर ऑफ वोवल्स आर 2, जबकि मेरे नाम में 3 वोवल्स हैं। कैपिटल ए जो मैंने एंटर किया उसको इसने वोवल में नहीं गिना, क्योंकि हमने कंडीशन ही स्मॉल पे लगाई है तो वो क्यों गिनेगा, है ना। सो हमने क्या कंडीशन चेक किया कि डेटा स्मॉल ए है, स्मॉल ई है, स्मॉल आई है, स्मॉल ओ है या स्मॉल यू है, तो इट शुड बी काउंटेड एज अ वोवल, अदरवाइज नॉट। तो ऐसे प्रोग्राम्स में आप क्या कर सकते हो, हमारे पास एक सी टाइप डॉट एच हेडर फाइल होती है जिसके अंदर फंक्शंस होते हैं जिससे आप अपने कैरेक्टर्स को स्मॉल या कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हो, या आप इसमें 5 और कंडीशंस लगा देते हैं। ये तो आपने 5 लगाई है स्मॉल ए ई आई ओ यू के लिए, 5 और लग जाएंगे कैपिटल के लिए। या मैं एक और कंडीशन लगा सकती थी कि अगर मेरा डेटा 65 से बड़ा है एंड डेटा 90 से छोटा है, सो इसका क्या मतलब हुआ, दिस इज द स्क्वायर वैल्यू ऑफ योर कैपिटल ए टू जी। सो कैपिटल ए की स्क्वायर वैल्यू 65 होती है, ठीक है, और स्मॉल ए की स्काई वैल्यू 97 होती है। सो कैपिटल ए इज 65, स्मॉल ए इज 97, कैपिटल बी इज 66, स्मॉल ए इज 98, तो इनके बीच में जो गैप है वो 32 का है,
ठीक है, सो 32 इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर वैल्यू ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर. सो हमने चेक कर लिया कि जो भी कैरेक्टर यूजर ने इनपुट किया है अगर वो कैपिटल है तो उसमें से 32 माइनस कर दो, उससे क्या होगा, वो स्मॉल हो जाएगा. राइट, अब वो स्मॉल हो जाएगा तो अब हमारे को वो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी. अब अगर आप यहाँ पर इनपुट करते हो ए एन जे ए एल आई, ठीक है, देन मान लो आई सी ई, सो इट इज काउंटिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स. पर इसमें तीन क्यों आए, डेटा इक्वल टू, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, डेटा माइनस इक्वल टू माइनस नहीं होता ना, इट्स डेटा माइनस इक्वल टू, सो दैट इज डेटा इज इक्वल टू डेटा माइनस 32. तो ये छोटी छोटी चीजें आपके प्रोग्राम के मीनिंग को बदल देती हैं. सो वी हैव टू बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग दिस. सो नंबर ऑफ वोवल्स स्टिल इट्स शोइंग 3, जबकि अब होने चाहिए थे ए ए 2, फिर 3, फिर 4 और 5. सो वी शुड गेट द आंसर एज 5 एंड इट इज शोइंग अस 3. सो डेटा इज इक्वल टू ए और डेटा इज इक्वल टू ई और डेटा इज इक्वल टू आई और ओ और यू. कंडीशन तो सही है, ठीक है, मैंने डेटा में डेटा इनपुट करवाया है, 10 बार लूप चल रहा है. यहाँ पर हमारी कंडीशन जो है, अगर वो कैपिटल लेटर है तो ही हम उसमें से 32 माइनस कर रहे हैं और वो स्मॉल हो रहा है, और स्मॉल होने के बाद फिर वो इसको चेक कर रहा है. इसने क्या किया है कि जो दो कैपिटल लेटर्स हैं ए और आई उनको नहीं गिना है वॉवल्स में, ठीक है. सो मे बी ये दोबारा से कंपाइल ही नहीं हुआ होगा. सो लेट मी क्लिक ऑन दी कंपाइल विद डिफॉल्ट फ्लैग्स एंड रन विद डिफॉल्ट फ्लैग्स. सो लेट मी चेक नाउ इफ आई एंटर, क्योंकि लॉजिक तो हमारा बिल्कुल सही है. स्टिल इट इज शोइंग दिस, लेट मी प्रिंट बिफोर आई प्रिंट एफ परसेंटेज पी डेटा. सो इफ आई एम इनपुटिंग कैपिटल ए, अच्छा ये कैपिटल ए का एक्सक्लेमेशन बन रहा है. ओ लाइव क्लास होने का ना एक फायदा होता है, अगर यही लाइव चल रही होती तो आप मुझे बता देते कि मैम 97 करना है, माइनस थोड़ी होएगा प्लस होएगा, है ना, फायदा होता ना, ये इसलिए रिकॉर्डेड में प्रॉब्लम हो जाती है. सो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि हम माइनस 32 कर रहे हैं, हमको माइनस 32 तो करना ही नहीं है, हमको प्लस 32 करना है, इट हैज टू बी प्लस इक्वल टू. सो चलो इस प्रोग्राम से आपने क्या सीखा कि अगर कुछ सही ना चल रहा हो तो आप डीबगिंग कैसे कर सकते हो. तो जैसे मेरा आंसर सही नहीं आ रहा था तो मेरे पास क्या ऑप्शन थी कि भाई डेटा को प्रिंट करा के देख लूं वो क्या रहा है. तो जब हमने प्रिंट करा के देखा तो देखा कि ये तो एक्सक्लेमेशन दिखा रहा है, एंड देन इट स्ट्राइक माई माइंड कि भाई प्लस करना था माइनस कर दिया. सो आपको 65 से 97 बनाना है, हम पीछे थोड़ी आ रहे हैं. स्मॉल से कैपिटल करना होता तो फिर हम माइनस करते, बट कैपिटल से स्मॉल कर रहे हो तो आपका प्लस होगा, क्योंकि 65 को मुझे 97 बनाना है, ठीक है. सो इट हैज टू बी लाइक दैट. सो अब आपके पास नंबर ऑफ वॉवल्स 5 आया, ठीक है. सो प्रोग्राम तो छोटा सा था बट थोड़ा सा लेंथी हो गया क्योंकि हमने कुछ ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करते हुए इस कोड को कंप्लीट किया, ठीक है. सो कोई बात नहीं, हर चीज से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. सो आई रोट माइनस बट यू गॉट टू नो कि किस तरह से अगर कोई एरर आ रहा हो तो आप कैसे अपने प्रोग्राम में एनालाइज कर सकते हो कि कहाँ पे गलती हो सकती है, एंड देन उन छोटी छोटी चीजों को पिन पॉइंट करके हम फाइनली आपका रिजल्ट निकाल सकते हैं. सो दैट इज योर नंबर ऑफ वॉवल्स, काउंटिंग द नंबर ऑफ वॉवल्स फ्रॉम द 10 कैरेक्टर्स. तो हम कोई भी 10 कैरेक्टर इनपुट करेंगे ये हमें नंबर ऑफ वॉवल्स काउंट करके देगा. ये प्रोग्राम्स आपको चाहिए हो तो ये सब गिटहब लाइब्रेरी के ऊपर अवेलेबल है. GitHub लाइब्रेरी का लिंक मैंने आप लोगों को दिया हुआ है आपको, अदरवाइज आप सिर्फ GitHub पे AEC टेक सर्च करो, उसके अंदर ये C प्रोग्राम्स आएगा. इसमें आपके जितने भी प्रोग्राम्स मैं आपको करा रही हूँ सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. सो दिस इज योर कोड और इसका नाम है count_vowels.c. सो count_vowels.c एंड आई सेव इट.
सो दिस इज सेव्ड. इफ यू वॉन्ट टू गेट द कोड यू कैन गेट इट फ्रॉम हेयर, बट बेटर है कि आप खुद से बनाएं और खुद से इसको रन करें. अच्छा, काउंट वॉवल्स एक ऑलरेडी है तो हम इसमें टू कर देते हैं. लेट्स सेव इट. ठीक है, सो दिस वन इज सेव्ड. सो ये आपका हो गया प्रोग्राम. ये सारे प्रोग्राम्स जो हम कर रहे हैं, दिस ऑल आर अवेलेबल ओवर हियर. फाइन, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. जाने से पहले लाइक पे क्लिक करके जाना, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. बाय फॉर नाउ.